we also tend to encounter many animals in the jungle. That is also like quite similar. Even I am expecting, that's why we need to keep eyes 360 degrees around here. Can't believe that I'm standing right in the middle of a tiger reserve, which is the biggest in India. सूख गया था सब कुछ, निकल जाऊं तो बेटर ही, ज्यादा घायल ना हो जाए। बस हो गया, हो गया, हो गया। तो क्लोज भाई, आग लग गई तो भूख मिटा लेंगे, सुनो बात। पानी मिल गया तो भूखे भी सो जाएंगे, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी ना मरने की। पानी है ना, देखी जाएगी। आग भी जल चुका है, आग चलाइए आपके भाई ने, जब किसी से ना जली उसके बाद भाई काम आया। देखो आपका जो एक्सपीरियंस था वो काफी डिफरेंट था, सर्वाइवल पर्सपेक्टिव थोड़ा भी मिल जाए दैट इज फाइन। ऐसे डाल रहे जैसे कब्र में मिट्टी दे रहे हो, बड़े हाथों से डाल दो उसके ऊपर। कभी नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया और कभी सोचा भी नहीं था ऐसे भी खाना बनेगा कभी। माग लगा के लकड़ उठनी चाहिए अपनी। लो चम्मच का जरूरत है, बहुत पत्ती है, पत्ती समझ नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे हाथ ना खाती जा रही है। Old civilization way of cooking, you can say. Okay. So it's living back the good old days where we haven't even imagined where people would have stayed like this. Despite of having some modern technologies, but majority of this where we were used, we are currently using whatever is available here in the jungle.